आप लोग समझे एक ऐसा शेयर लेके आए हैं जो कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छी कर रही है, साल में 2 से 3 बार डिविडेंड देती है और ये आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करती है। कंपनी रिजर्व की बात करें, कंपनी रिजर्व में इंक्रीजमेंट कर रही है, देख सकते हैं आप लोग, यानी 2018 से लेकर 2022 की जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट की है कंपनी। उधार की बात करें, कंपनी की फ़िलहाल में उधार ऑलमोस्ट 2 करोड़ की है, यानी वो भी डिक्रीज कर रही है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, कंपनी 2022 के आंकड़े के मुताबिक ऑलमोस्ट 500 करोड़ से आपकी इन्वेस्टमेंट है। और कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स 1600 करोड़ से अभाव की है। और कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर इम्प्रूवमेंट कर रही है। मार्च 2023 की बात करें, वहाँ पे 424 करोड़ की नेट सेल रही है और जून 2023 की बात करें 444 करोड़ की नेट सेल हुई है। और कंपनी की यहाँ पे देखें हैं डिविडेंड की बात के बराबर, यह 14 फरवरी, अगर कंपनी की डिविडेंड की बात करें, यह कंपनी 14 अगस्त को अपना 2023 में 26% की डिविडेंड देने वाली है। अगर बात करें ये रुपीज़ में पर शेयर जो होने वाला है 2.5 रुपया पर शेयर से अभव होने वाला है, तो एक ज़बरदस्त ग्रोथ है यहाँ पे कंपनी में। और यहाँ पे सेल ग्रोथ देखें, लास्ट 1 ईयर में 47% है, प्रॉफिट ग्रोथ 154% है, ROE पर नज़र डाला लास्ट 1 ईयर में 20% रही है और ROC लास्ट 1 ईयर में 25%, जो एक अच्छी बात है। कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छी रिजल्ट भी काम कर रही है, एनुअली ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट है। कंपनी इस साल में 2 से 3 बार डिविडेंड देती है, जब भी देती डिविडेंड अच्छी डिविडेंड देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं कंपनी की, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा 39% यहाँ पे प्रमोटर होल्डर है और क्वालिफाइड इन्वेस्टर की बात करें पर ऑलमोस्ट 35% अराउंड आता है। पहले कंपनी का नाम जलाकर कंपनी से दोस्ती करने की कोशिश, अगर कंपनी के नाम देखा है KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कंपनी जो लास्ट 1 ईयर में जो यह ग्रोथ दी है ऑलमोस्ट 103% की ग्रोथ हुई है और ऑल टाइम ग्रोथ देखा है कंपनी के 1003% की रिटर्न दी है। और यह 2016 के बीच यह कंपनी आई थी, अच्छी ग्रोथ है उस टाइम, ये इस पर 76 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। तो डिविडेंड के मामले में अच्छी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये ठीक ठाक है। तो आई होप आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कंपनी साथ दोस्ती करनी चाहिए नहीं करनी, बेसिकली आपका डिसीजन। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।